बेंडा चिलचिला देखने से तो है, साउंड क्वालिटी तो जबरदस्त लग ही रहा है दोस्तों। नॉर्मली साइलेंसर देखिए, ये चीज मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन देखिए यहाँ पे साइलेंसर नहीं है तो लेकिन ये है नहीं, ये पेट्रोल में ही चलती है। और बात है आपने दिराम में, ये दुबई में अगर कोई लेना चाहे तो दुबई में इसका प्राइस आपको आएगा 40। तो हाय दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों काफ़ी सारे कार्स तो आप देखते हैं मेरे चैनल पे, तो कभी कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे बाइक्स के ऊपर बताइए, वहाँ के बाइक्स के क्या प्राइजेस है, क्या है नहीं है। थोड़ा यूनिक आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बहुत ही अनकॉमन सा एक बाइक मुझे देखने को मिला है, तो क्या है नहीं है मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। और चलिए फिर हम शोरूम में जाएंगे और दिखाएंगे कि हार्ली डेविडसन या जितने भी बड़े मस्कुलर बाइक्स हैं उससे ऑलमोस्ट ये कंपैरिजन सेम ही होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या है ये। तो गाइस हम आ चुके हैं शोरूम में, अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कार्स, काफ़ी सारे आपको बाइक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम यूनिक और काफ़ी सारे कलरफुल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट देख रहेंगे तो ये कुछ ओला का जो ई वाला आया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा लुक काफ़ी मिलता जुलता है। तो हालांकि ये जितने भी गाड़ी आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी के सभी चाइनीज़, कुछ ताइवान के हैं, कुछ अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे ब्रांड आप देख पाएंगे। लेकिन हालांकि इसकी प्राइसेस वगैरह में अगर बात करूँ तो काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं जिसके लिए आया हूँ, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरुआत में ही, जहाँ पे काफ़ी हद तक मिलती जुलती अगर मैं हार्ली डेविडसन कहूँ या होंडा भी कहूँ तो बहुत ही मस्कुलर सा लुक है, मिलती जुलती। चलो मैं बताता हूँ, तो ये है वो बाइक जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, और ये है तो ये बिंदा इसका ऐसा नाम है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और उसकी जो लुक्स है माइंड ब्लोइंग है यार दोस्तों, क्या ज़बरदस्त लुक है। देखिए अगर मैं यहाँ फ्रंट से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी लेंथ में बोलूँ या जिसके वेट में बोलूँ काफ़ी हद तक मस्कुलर है ही। तो यहाँ पे मेरे को साइड में अगर अभी काफ़ी हद तक देखा जाए तो ऐसा देख के स्टार्टिंग में आपको देख के लगेगा कि ये कुछ इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक बाइक है। तो लेकिन ये है नहीं, ये पेट्रोल में ही चलती है। और बाकी यहाँ पर शॉकर्स की बात करें तो काफ़ी तगड़े वाले यहाँ पे शॉकर्स या डिस्क ब्रेक या डुअल डिस्क ब्रेक भी आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगे कि कोई भी इंडिकेटर नहीं है। आप अगर देखें तो पीछे की तरफ से आप इंडिकेटर यहाँ देख पाएंगे, ये देखिए, लेकिन साइड से अगर देखेंगे तो फ्रंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअली, ये है, ये देखिए। अब साइड में अच्छी खासी कर्व के साथ बहुत खूबसूरत सा देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ सेम ही इसी कंपनी की ब्रांड यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा बिंदा, लेकिन ये दूसरा मॉडल है, ये यहाँ पे दूसरा मॉडल है, सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसके बारे में थोड़े हम बात करेंगे, देखते हैं कि ये क्या प्राइजेस है वगैरह, यहाँ पे मैं किसी एक दिन से पूछने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस अब मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ मिस्टर हुसैन से, जो ये बाइक्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे। तो वो है हमारे हुसैन जी। हाय हुसैन जी, कैसे हैं? गुड गुड, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू शूट दिस वंडरफुल बाइक। तो हुसैन जी, हाँ ओके। तो हुसैन जी, मुझे थोड़ा ये मेरे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे बाइक लवर्स हैं मेरे यहाँ पे जो बाइक के बारे में बहुत पूछते हैं। okay. तो थोड़ा मेरे को कंपैरिजन के लिए बताइए, क्या है, कौन सा मॉडल है, क्या है नहीं है, थोड़ा बताइए। सो जनरली ये बाइक का नाम है बेंडा। okay. इसका नाम है LFC 700। सो जनरली दिस इज फ्रॉम चाइना। ओके, या सो इट इज हैविंग इनलाइन फोर सिलेंडर, इट्स कम विद 94 हॉर्स पावर। ग्रेट। और यू कैन सी टोटल 6 गियर्स आर देयर इन दिस बाइक। ओके, इट्स हैविंग लिक्विड कूल इंजन एज़ वेल। तो अभी ये बताइए, इसमें लाइक कितना लीटर पेट्रोल है टोटल, मतलब टैंक कैपेसिटी कितना होगा इसका? कैपेसिटी, सो द टैंक कैपेसिटी विल बी अराउंड 20 लीटर्स। ओके, एंड एज यू कैन सी इन द फ्रंट देयर इज अ ब्रेम्बो ब्रेक्स। ओके, ड्यूल डिस्क, यू नो,
ओके, सो ड्यूअल ब्रेक, ड्यूअल डिस्क ब्रेक भी है इसमें साइड में. ओके, और ये शायद यहाँ पे कूलिंग का आपका है यहाँ पे. रेडिएटर ओवर हियर. और इसकी जो डिस्प्ले है. हाँ, डिस्प्ले, यस प्लीज. लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन. हियर इज द की. यू कैन सी द डिस्प्ले. ओके, वाओ, जबरदस्त भाई. सो दिस इज अ ग्रेट स्विच. दिस इज द न्यूट्रल. ओके, सो मेरे को इसमें सबसे टेस्ट लगा इसकी साइलेंसर्स की तरह. साइलेंसर इस काम के. ओके, तो गाइस ये एक ज़बरदस्त चीज़ें मैं दिखाता हूँ. नॉर्मली साइलेंसर, देखिए ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन देखिए यहाँ पे साइलेंसर नहीं है. तो साइलेंसर है इस जगह पे. बहुत खूबसूरत है. ओके, देखिए हेडलाइट देखिए दोस्तों. तो वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बोल रहा था ना, साइड में इंडिकेटर्स जो है वो नहीं है, लेकिन ये साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. ये देखिए. ओके, हाँ, तो सिंगल लाइट देखिए यहाँ पे चल रहा है और डबल लाइट ये दो जगह पे है. तो आप अभी डे में हैं वो तो इतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये नाइट पे ज़बरदस्त लगेगा. ओके, और ये जो ABS. हाँ हाँ, ओके, देखो बाइक में ABS भी है. अच्छा, और ओके, okay. सारी जो कार्स में मोस्टली जो फीचर्स रहते हैं वो सब यहाँ पे आपको देख बताएगा कि गाड़ी में बैटरी का वोल्टेज कितना है, कितना बाकी है. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. तो काफ़ी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कैसा लगा आपको बाइक, और ऐसे फीचर्स वाले बाइक में आपको कहाँ देखने को मिलता है. दिस इज कमिंग विद द 310. Okay. Car, you know, this is the biggest car size. That obviously I can see. बहुत ही चौड़े, बहुत ही लंबे, मतलब लाइक अगर हाथ में मैं ऐसे करूँ तो दो थंब के मेरे साइज के हैं. बट जनरली ये क्या साइज है इसके टायर्स के? 310 is a tire size. 300 ton. 310 का टायर का साइज. 310. ओके ओके, सो 310 साइज है इसका. और बाकी तो है, साउंड क्वालिटी तो ज़बरदस्त लग ही रहा है दोस्तों. ग्रेट, जबरदस्त है. तो ये मॉडल का नाम क्या है एक्चुअली? बिंदा तो आपका कंपनी है, तो इसके इसका नाम है, बट मॉडल का नाम है LFC 700. ओके ओके, तो शायद अभी इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, बट मोस्टली मे बी इन फ्यूचर शायद हो जाए. तो दोस्तों ये है ऐसा कुछ ये बाइक. अभी आप सोच रहे होंगे इसकी प्राइजेस के बारे में, तो हसन जी इसका प्राइस क्या रखे हैं आपने दिरहम में? ये दुबई में अगर कोई लेना चाहे तो दुबई में इसका प्राइस आपको आएगा 43,000 दिरहम से रहेगा. 43,000 दिरहम में ये बाइक आपको मिल जाएगा. कम्स विद वन ईयर वारंटी एज वेल. हां, एंड वन सर्विस फ्री एज वेल. वन ईयर वारंटी प्लस? या वन ईयर वारंटी विल बी देयर ऑन इंजन गियर एंड अप टू 12,000 किलोमीटर. 12,000 किलोमीटर एंड वन सर्विस फ्री. ओके, ग्रेट ग्रेट. तो जबरदस्त परफॉर्मेंस तो है ही इसका, लेकिन है बाकी बहुत ही धासु है. तो यहाँ पे इसके सेम ब्रांड के मैं और भी गाड़ी आपको दिखा सकता हूँ. ये देखिए यहाँ पे ऐसे तीन मॉडल्स है. हुसैन जी ये तीन मॉडल का थोड़ा मेरे को हल्के से प्राइस बता दीजिए कि क्या क्या ये प्राइस हो सकता है. 700 के बाद आपको आएगी 450. इसका नाम है चिलचिला. ये फर्स्ट वाला. ओके, बेंडा चिलचिला. देखने से तो चिलचिला नहीं लग रहा है, छड़ छड़ रहा है, कुछ अजीब सा ही जबरदस्त लग रहा है ये. ये वाला 26,000 में. 26,500 में. और ये वाले का जो मिडिल में चिलचिला, ये कौन सा बोला आपने? चिलचिला 300. इसका प्राइस क्या होगा? 18,000 ग्राम्स. सो देखा जाए तो इंडिया के 1.5-2 लाख के अंदर हमको, नहीं 18,000 मतलब इंडिया का अगर होगा तो अप्रॉक्सीमेट 4 लाख. तो 4 लाख में ऐसे मस्कुलर कार मिलना यहाँ के हिसाब से तो मैं बोलूँगा ज़बरदस्त है. लेकिन आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि 4 लाख में आपको ऐसे फीचर्स वाले कार बाइक्स मिल सकता है कि नहीं. तो ये था आज का वीडियो. कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आज पसंद आया होगा. कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.